हाय दोस्तों, टी4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप प्ले स्टोर के सर्च हिस्ट्री को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए दोस्तों, प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का जो तरीका है बिल्कुल ही नया हो चुका है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या रहता था कि ऊपर में तीन बिंदु बने हुए रहते थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे तीन बिंदु आपको शो होते थे, लेकिन अब यह तरीका चेंज हो गया है और अब आपको तीन बिंदु का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका फ़ोटो वगैरह आपने जो DP वगैरह सेट करके रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब आपको अपना सर्च हिस्ट्री क्लियर या डिलीट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर के यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जनरल का, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरल में क्लिक करेंगे तो अब आपको सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज खुलेगा। अब आपको जनरल के जस्ट नीचे अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपका पेज दूसरे तरीके से खुलेगा और यहाँ पे आपको जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा जहाँ पे लिखा है क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि ऑल सर्चेस डेट यू हैव मेड इन प्ले ऑन दिस डिवाइस विल बी रिमूव। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है क्लियर हिस्ट्री में। तो जैसे आप क्लिक करेंगे क्लियर हिस्ट्री में, आपका पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्लियर हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड किया था उसका अब हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। अब हम फिर से सर्च करेंगे व्हाट्सएप, और यहाँ पर जब आप सर्च कर लीजिएगा तो फिर से यहाँ पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको शो होगा जो भी आपने सर्च किया है और क्लियर हो गया, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।